नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं होम एसेंशियल्स। इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं वॉलपेपर या फिर स्टेंसिल दोनों में से कौन सा अच्छा होता है, दोनों में कौन सी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है और दोनों में ही किसकी क्या कॉस्ट पड़ती है और आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों, दोनों की बात कर लें तो दोनों देखने में ही काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आपको कैसी डिज़ाइन चाहिए। आप वॉलपेपर के साथ भी जा सकते हैं और स्टेंसिल के साथ भी जा सकते हैं। दोनों की अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो वॉलपेपर के अंदर आपको स्टेंसिल से ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। वॉलपेपर देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता ही है, उसके अंदर आप भी कई सारे डिज़ाइनें अपने मन का कस्टमाइज वॉलपेपर भी बनवा सकते हैं, स्टेंसिल में भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलेगी, आपको ऐसा एजेंट ढूंढना पड़ेगा जो आपके लिए कस्टमाइज़ करवा सके। लेकिन वॉलपेपर जो बेचता है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपने मन का जो भी कस्टमाइज डिज़ाइन होगी ऐसा वॉलपेपर चुन सकते हैं। लेकिन वॉलपेपर के अंदर जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है वो स्टेंसिल काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि इसके अंदर आपके अगर जो वॉल पर सीलन आती है तो सबसे पहली बात तो जो वॉलपेपर का ग्लू होता है वो छूट जाता है, जिससे कि आपका जो वॉलपेपर है वो वॉल से हट जाता है तो वो खराब हो जाता है। दूसरी बात, आपका जो माइन्यूट सीलन है तो वहां पे जो कलर होता है वो फेड पड़ जाता है, या फिर फेड नहीं पड़ता है तो जितने में सीलन होती है उस एरिया में आपको अलग सा एक गंदा निशान बन के आ जाता है। इसी के बाद अगर जो हम बात करें वॉलपेपर की, जैसी जैसी इसकी लाइफ बढ़ती जाती है कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको ग्लू छूटने का इशू देखने को मिलता है, तो आपको वो बार बार चिपकाना पड़ता है। लेकिन अगर जो स्टेंसिल की बात करें तो स्टेंसिल एक बार जैसे ही आपका लग जाता है, यानी कि पेंट होता है, वो पेंट वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन वाला होता है वो स्टिकर होता है, वो स्टेंसिल वो अलग केस हो जाता है। जो आपको पेंट वाला स्टेंसिल होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है, आप जहाँ पे लगा दोगे, मतलब एक बार जहाँ पे आप पेंट करवा दोगे उसको, बढ़िया सा पेंट हो जाता है, रोलर से होता है वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है और काफ़ी अच्छी लाइफ होती है। जैसे कि आपकी एक पेंट की लाइफ होती है, एग्जैक्ट सेम वही उसकी भी लाइफ होती है। और जब मान लीजिए आपकी वॉल पे सीलन भी आती है तो जिस पार्ट पे सीलन वॉल में आ रही है वो उसी पार्ट में रहेगी, वहाँ का कलर आपको जो भी होगा पपड़ी वपड़ी पड़ जाती है, उससे ज़्यादा आपको कोई ख़राब नहीं होगा। लेकिन वॉलपेपर के केस में होता है वहाँ से वॉलपेपर छूट जाता है और बार बार चिपकाना पड़ता है, फिर वो छूटता रहता है, जिससे कि आपका वॉलपेपर टोटली वेस्ट हो जाता है और आपके जो लुक होता है वॉल का वो थोड़ा सा भद्दा सा लगने लगता है। अगर जो हम बात करें दोनों में कि सस्ता कौन सा पड़ता है, वॉलपेपर या फिर स्टेंसिल, तो स्टेंसिल आपको ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है वॉलपेपर के कंपैरिजन में। करीबन 700-800 हज़ार के आसपास से इसका वॉलपेपर का जो रोल होता है एक, वो आपका स्टार्ट हो जाता है और आपके वॉल में करीबन 3 से 4 तो रोल लग ही जाते हैं। अगर स्टेंसिल की बात करें तो स्टेंसिल का जो डिज़ाइन का जो कट होता है, जो पीस होता है जिससे आप पेस्ट करवाओगे, वो डिज़ाइन 100 रुपये से मिलना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि वो 100 रुपये की जो वॉल जो शीट होती है उसको आप पूरे घर में लगवा लो, यानी 4 रूम में आप 4 रूम में बनवा सकते हो। लेकिन वॉलपेपर के केस में ऐसा नहीं है, तो वॉलपेपर और स्टेंसिल में आपको स्टेंसिल ज़्यादा सस्ता पड़ता है और स्टेंसिल जो है एक नॉर्मल पेंटर भी बना सकता है, मतलब उसको सिर्फ पेस्ट करके, मतलब अच्छे से चिपका के रोलर से रोल कर देना होता है। तो आप अगर जो थोड़ा सा भी पेंट की नॉलेज रखते हो तो आप खुद स्टेंसिल लगा सकते हो, लेकिन वॉलपेपर के केस में ऐसा नहीं है। वॉलपेपर के केस में आपको एक बंदा बुलाना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर जब हम बात करें तो दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा होता है, तो वॉलपेपर और स्टेंसिल के कंपैरिजन में दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन अगर जो आपके यहाँ सीलन आ जाती है तो वॉलपेपर उस केस में आपके लिए अच्छा नहीं है, उस केस में आप स्टेंसिल लगवा सकते हो और इससे भी अच्छी डिज़ाइनें बन जाती हैं। दोनों की अगर जो हम लाइफ की बात करें तो देखिए, वॉलपेपर और स्टेंसिल में स्टेंसिल की काफ़ी लाइफ होती है। मान लीजिए आपका जो पेंट है वो 7-8 साल चल रहा है तो आराम से वो 7-8 साल चलता रहेगा। वॉलपेपर की बात करें तो वॉलपेपर में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे, 1 साल के बाद से ही। और वॉलपेपर की कहने को 10 साल की लाइफ होती है, लेकिन एग्जैक्टली वो 10 साल नहीं चल पाता है, कहीं बच्चा फाड़ देता, मान लीजिए थोड़ा सा निकला, बच्चे ने फाड़ दिया तो वो डिज़ाइन में आपका एक डिफेक्ट सा लगने लगता है, भद्दा सा लगने लगेगा, तो आप इसी तरह से आपको फिर कुछ ना कुछ उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा या फिर रोल अब नया लगवाओ, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं। या फिर आपका कलर फेड पड़ जाएगा, कलर पेंट का भी फेड पड़ता है, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का आप पेंट लगवाते हो तो कलर इतनी जल्दी फेड नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल दोनों में मेरे हिसाब से लाइफ के मामले में भी आपका स्टेंसिल ज़्यादा अच्छा है। और अगर जो आपको बढ़िया से डिज़ाइन चाहिए, एकदम यूनिक डिज़ाइन चाहिए, तो भाई आप जा सकते हो वॉलपेपर के साथ। दोनों में मेरे हिसाब से दोनों ही अपनी जगह पे अच्छे हैं, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आपके दीवार में अगर भाई सीलन विलन ना आ जाए, डैम जैसे बोलते हैं वो अगर जो आ जाती है, तो फिर वॉलपेपर आपके केस में नहीं है, आप स्टेंसिल को लगा सकते हो। तो अगर जो आपको इसी तरह की कुछ और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब का बटन आपको यहाँ पे एक लोगो दिख रहा होगा उस पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलेंगे आपके एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।